परमेश्वर चाहता है कि हम सब लोग राजा हो जाएं। कहता राज्य करो यानी राज्य करो, अधिकार करो, तुम सारी बातों के ऊपर में प्रभु और स्वामी बन जाओ। उत्पत्ति अध्याय 1:28 में कहा राज करो। परमेश्वर ने मनुष्य को सबसे पहले यही कहा, इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि कहने के द्वारा वो मनुष्य के लिए इसे प्रकट करता है। वो चाहता है कि हर मनुष्य राजा हो। प्लीज मेरे साथ में निकालिए प्रकाशित वाक्य, प्रकाशित वाक्य, और चलिए पढ़ते हैं वचन 4-6। वो हमसे प्रेम रखता है और उसने अपने लहू के द्वारा हमें पापों से छुड़ाया है और हमें एक राज्य और अपने पिता परमेश्वर के लिए याजक भी बना दिया। उसी की महिमा और पराक्रम युगान युग रहे, आमेन। हम देख रहे हैं हम कौन हैं, हमारे पास क्या है और हम क्या कर सकते हैं। बुनियादी रूप में नया नियम इसी के बारे में है। अगर आप सोच रहे हैं कि नया नियम किस बारे में है, ये इस बारे में है कि मसीह के छुटकारे के काम के कारण हम क्या बन गए हैं। इसने हमारे लिए क्या किया और इसने हमें इसके कारण क्या बनाया है, हमें क्या दिया गया है और अब हम क्या कर सकते हैं इसके परिणाम में, हमें जो बदलाव आए हैं उसके कारण। अब इसे हम अलग अलग भागों में अध्ययन कर रहे हैं। मैं पूरे नए नियम को नहीं बता रहा हूं क्योंकि एक साथ में इसे सिखाना बहुत मुश्किल है, लेकिन मैं कुछ खास टॉपिक्स बता रहा हूं जो कि चर्च में अनदेखी किए जाती हैं। उदाहरण के लिए यहां पर हम देख रहे हैं कि कैसे परमेश्वर ने हमें राजा बनाया, छुटकारे ने हमें लेकर हमें राजा बना दिया है। विश्वास नहीं हो सकता है, मैं चर्च में रहा हूं अपने पूरे जीवन भर, मुझे याद नहीं कि मैं एक रविवार के दिन कभी चर्च चूका था। और मैं ऐसा नहीं कि बस रविवार की सुबह की सभा में चले जाऊं, मेरी परवरिश ऐसे परिवार में हुई, रविवार सुबह चर्च जाते, रविवार शाम, बुधवार शाम, शनिवार शाम उपवास प्रार्थना, जो भी हो
और शहर में होने वाली सभी सभाओं में मैं वहां संगीत बजाता या कुछ करता था, जानते हैं? उसमें मैं जुड़ा होता था। कश्मीर से कन्याकुमारी तक के प्रचारकों को सुना और मैं दोष लगाने के लिए नहीं कहता हूं, क्योंकि दोष लगाना, जानते हैं, ये कुछ नहीं करता। मैंने इसे देखा इसलिए कहता हूं, बहुत अच्छे से मैंने देखा है। इतने साल में मैंने संदेश सुने, हर तरह के संदेश सुने, लेकिन मुझे कभी नहीं बताया कि मैं राजा हूं। किसी ने नहीं बताया कि यीशु मसीह आया है और उसने मेरे लिए कुछ किया और उसने मुझे लिया और मुझे राजा बनाया। किसी ने नहीं बताया। मुझे बताया मैं कुछ नहीं, केवल धूल हूं, बेकार पापी हूं। मैं कुछ नहीं हूं लेकिन बेकार हूं, गंदा पापी हूं। और जैसे एक कहावत है, गंदा कीड़ा, मतलब बस कीड़ा हूं। हमें यह बताया जाता, अगर एक रविवार को ये नहीं सुने तो बड़े लकी होते, यानी वो बहुत ही अच्छा रविवार रहा है। तो मैंने अपने जीवन में ये हजारों बार सुना है, लेकिन एक बार भी, चलिए मैं आपको अच्छे से बता दूं, मैंने उसे हजारों बार सुना जिस पर बार बार जोर दिया गया, लेकिन एक बार भी किसी ने मुझे नहीं बताया कि मैं राजा हूं। क्या यह अजीब नहीं? लेकिन बाइबल स्पष्ट बताती है कि उसने अपने लहू से ही हमारे पापों को नहीं धोया है, हमसे प्रेम किया और हमें अपने लहू से धो दिया है, लेकिन हमें राजा भी बनाया। छुटकारा यहीं पर नहीं रुकता है, केवल इस पापों की क्षमा से। पापों की क्षमा तो पहला कदम है, ये तो और किसी में अगुवाई करना है परमेश्वर के मुख्य उद्देश्य में। तो ये शुरू होता है पापों की क्षमा से, जहां पर वो हमसे प्रेम करता है, हम पापी को लेता, अपने लहू से हमें धोता है, हमें शुद्ध करता है और परमेश्वर के सामने धर्मी बनाता है। लेकिन वो हमें आगे ले जाता है और हमें राजा बनाता है। अब क्यों नया नियम राजा इस शब्द का उपयोग करता है हमारा विवरण देने के लिए, मैं सोचता हूं ये समझना महत्वपूर्ण है। उन दिनों में राजा राज्य किया करते थे, तो राजा क्या होता है लोग इसे अच्छे से समझते थे, इसलिए राजा शब्द उपयोग हुआ। जैसे ही राजा कहते हैं लोग याद करते राजा का अधिकार, उसकी सामर्थ, उसका धन, उसका औहदा, उसका स्तर, ये सारी बातें उनके मन में आती थी कि राजा कौन है। बाइबल हमारे बारे में राजा शब्द का उपयोग क्यों करती है? छुटकारे के द्वारा, कलवरी के क्रूस के द्वारा जो कुछ भी यीशु ने किया है, हमें ऐसा औहदा और स्तर दिया गया है, सामर्थ और अधिकार और संपत्ति, बयान से बाहर धन दिया। हमें यीशु मसीह के द्वारा कुछ अद्भुत दिया गया है जो उसने कलवरी के क्रूस के द्वारा किया है। वो कलवरी के क्रूस पर बिल्कुल ऐसे ही बेकार में श्राप नहीं बना कि हम जिस दशा में उसी में छोड़ दे। उसे मरने की जरूरत नहीं थी, यदि वो हमारे पापों की क्षमा करता और हमें वैसे ही छोड़ देता, हम जिस दशा में बिल्कुल उसी में। यह हमें भीतर बाहर बदलने के लिए है, यह हमारे जीवन और हमारे अस्तित्व को बदलने के लिए है, हमारे जीवन के हर एक भाग के लिए। वो कलवरी के क्रूस के ऊपर में मरा। यह शुरू होता है हमारे पापों से धोने के द्वारा, क्योंकि उसके बिना हम प्रभु के पास नहीं आ सकते, उसकी संतान नहीं बन सकते हैं। इसलिए पापों के शुद्धिकरण से शुरू होता है और हमें प्रभु के सामने धर्मी बनाता है। लेकिन वही खत्म नहीं होता, ये अंत नहीं है, लेकिन अक्सर चर्च ने इसे अंत बना दिया। हम लोगों को केवल आधे रास्ते तक लेकर गए, लेकिन पूरे रास्ते तक नहीं लेकर गए, जहां तक सच्चाई की बात है। तो मैं सच्चाई बता रहा हूं, जिन्हें लोगों ने छोड़ दिया है, जिस पर लोगों ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया, इस पर जोर नहीं दिया, इसे प्रचार नहीं किया। ये ऐसी बातें हैं जिसे मैं जानबूझकर चुन रहा हूं, उदाहरण के लिए मैं छोड़ रहा हूं ये सच्चाई कि हम उसके लहू के द्वारा धोए गए, क्योंकि ऐसा है जिसे बार बार प्रचार किया गया, हम इसे जानते हैं। लेकिन ये सच्चाई कि हम राजा हैं, इसे हम नहीं जानते। तो मैं वो बता रहा हूं जो छोड़ दिए गए हैं। अब पिछले कुछ हफ्तों से हम देख रहे हैं राजा का अधिकार। हमने चर्चा की है राजा का अधिकार और सामर्थ पर। और जब लोग राजा के बारे में सुनते हैं तो वो उसके औहदे, उसके धन संपत्ति के बारे में सोचते हैं। तो हमने राजा के सामर्थ्य अधिकार के बारे में चर्चा की है। सभोपदेशक 8:4 कहता है, जहां राजा का शब्द होता है वहां सामर्थ होती है। परमेश्वर ने अधिकार रखा है हमारे मुंह के शब्दों में, उसने हमें ऐसे बनाया है। ये नहीं पूछ सकते कि उसने ऐसे क्यों बनाया है, क्योंकि उसने हमें ऐसे ही बनाया है। मैं नहीं बता सकता क्यों, लेकिन हमारे शरीर के सभी अंगों में से जो हमारे हैं, किसी ने कहा कि वो अद्भुत दिमाग है। खैर, बाइबल ये नहीं कहती सामर्थ दिमाग में है, सामर्थ जीभ में है,
जीभ दिमाग पर नियंत्रण करती है, बाइबल यही तो सिखाती है। अगर आप बाइबल में देखें, बाइबल जीभ के बारे में बहुत कुछ सिखाती है, जीभ की सामर्थ के बारे में, ठीक है, और हम इसी के बारे में ज्यादा ध्यान नहीं देते। हाँ, मैं लोगों को दूसरी भाषा में कहता हूं, मुंह में रखिए या नाक में रखिए, जहां भी रखिए ढूंढो और वैसे ही करते जाओ। मतलब चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे उसे नाक में सामर्थ रखी है, जीभ में रखी है, ढूंढ निकाले कि कहां रखी और वैसे करते जाए। बस ढूंढ निकाले कि कहां है और वैसे ही करते जाए। कुछ लोग नाक की ओर ज्यादा ध्यान देते हैं। मुझे पता, एक आदमी को रोमन नाक चाहिए थी, तो उसने जाकर सर्जरी करवाई और उसे बहुत अच्छा बनाया, अच्छे आकार में लाया। अभी उसकी रोमी नाक है, जानते हैं, और वो अच्छा दिखना चाहते थे। उन्होंने कहा, अगर बस मेरी नाक ठीक हो जाए, वो चपटी नाक के थे, तो मैं ऊंचाई पर पहुंचूंगा, ऐसे उनका विश्वास था। तो उन्होंने नाक का ऑपरेशन करवाया, लेकिन किसी ने भी उनकी नाक की ओर ज्यादा नहीं देखा, किसी ने परवाह नहीं की। ये खुद जाकर बताते थे, मेरी नाक देखो, अभी ये रोमी नाक है। ओ हाँ, अभी ये थोड़ी सी अलग दिखाई दे रही है। इससे उनके करियर में कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं आया, जानते हैं। मैंने कहा, तुमने अपनी नाक पर जितना समय बिताया, उसमें से बस आधा समय बिताते और नाक पर खर्चा किया आधा पैसा बचाते। खैर, आधा पैसा भी नहीं, ज्यादा पैसा नहीं लगता है कि जीभ की ओर ध्यान दे। यदि आप अपने बोलने के तरीके को बदल देते, अपने शब्दों को बदल देते, उसे सही क्रम में लेकर आते, ये जानते हुए कि सामर्थ्य तो आपके शब्दों में है, तो आप सबसे ऊंचाई पर आ जाते। जानते हैं, कोई आपको रोक नहीं सकता था, या आपको लेकर ऊपर पहुंचाता, सिर बनाता, पूछ नहीं, आप ऊपर रहते नीचे नहीं, जैसे प्रभु का वचन कहता है। जब बोलने के तरीके को बदलते हैं, तो आप जीवन के तरीके को बदलते हैं। याकूब 3 में पढ़िए, नीति वचन की किताब पढ़िए, उत्पत्ति से प्रकाशित वाक्य तक पढ़िए, यह ऐसा ही है। क्योंकि प्रभु ने अपने शब्दों से ही सब कुछ बनाया है, उसने हमें अपने स्वरूप समानता में बनाया। इसका मतलब है कि हमें अपने शब्दों से काम करना है। जो सामर्थ हमारे पास है, ये खासकर हमारे शब्दों में है और कहीं नहीं। बाइबल हमें इसी तरह से सिखाती है। हमने ये देखा है, आज हम किसी और बात को देखना चाहते हैं। राजा का धन, उदाहरण के लिए, क्या आप गरीब राजा से मिले हैं? मुझे नहीं लगता गरीब राजा होता है। आप कहें कि ये राजा, लेकिन इसके पास पैसा नहीं है। देखिए, राजा तो धनी होता है, उसके पास बहुत है, ये राजा की खासियत है। बाइबल कहती है कि हम धनी हैं, हमारे पास बहुत है, परमेश्वर की आशीष हमें दी गई है, प्रभु ने हमें आशीष दी, हर एक आत्मिक आशीषों से, जगत की उत्पत्ति के पहले से उसने हमें आशीषित किया है, उसने हमसे कुछ नहीं रख छोड़ा है। बाइबल बहुत सी जगह पर यह कहती है कि परमेश्वर हमसे कोई भली चीज नहीं रख छोड़ता, ये परमेश्वर है जो हमें धन कमाने की सामर्थ देता है। और ये सब, यानी परमेश्वर ने कभी नहीं चाहा कि मनुष्य गरीबी में रहे या फिर दरिद्रता में रहे। जब मनुष्य को बनाया, तो उस जगह पर नहीं रखा जहां ना भोजन था, ना कोई कपड़े थे, और कुछ नहीं था, जानते हैं। उसने उसके लिए सुंदर वाटिका बनाई और वहां रखा। उस वाटिका में हजारों तरह के पेड़ वहां पर थे, फल वाले पेड़ थे और पौधे थे। उसने मनुष्य को बनाने के पहले सोचा कि उसे भोजन कहां से मिलेगा। उसने कहा, ये सारे जो पेड़ पौधे हैं, ये सब उसके लिए भोजन है। प्रभु ने सब कुछ दे दिया। तो प्रभु नहीं चाहता कि मनुष्य कंगाल रहे। सोना वहां पर बढ़ रहा था और सोना अच्छा था। बाइबल कहती, पढ़िए उत्पत्ति के पहले कुछ अध्याय में, जानते हैं, बहुत से लोग कहते हैं, भाई आप चाहते हैं कि मैं पूरी बाइबल पढ़ूं, ये मोटी किताब जो आपके हाथ में है, कितना समय लग जाएगा? जानते हैं, मुझे जवाब कैसे मिलेगा? पूरी बाइबल पढ़ने की भी जरूरत नहीं, केवल शुरू के 2 पन्ने पढ़िए, ये आपको आजाद कर देगी जो पहले कभी नहीं देखा। बस पहले 2 पन्ने, परमेश्वर ने वहां पर सोना रखा, परमेश्वर ने नदियां रखी और वहां पर सारे स्रोत रखे। मनुष्य को अपना सिर खुजलाकर परमेश्वर से कुछ भी नहीं मांगना था, जो भी उसकी जरूरत थी, परमेश्वर ने मनुष्य को बनाने के पहले ही सोच लिया, पहले उसे बनाया, फिर आखिर में उसने मनुष्य को बनाया। जब मनुष्य आया तो सब पहले से ही तैयार था, जो भी उसे चाहिए था वो सब वहां पर था। यदि वहां पर नहीं है तो मनुष्य को उसकी जरूरत नहीं, जो भी उसे चाहिए था वहां पर था। प्रभु ने ऐसे ही बनाया। गरीब बनाए रखना परमेश्वर का मकसद नहीं था। संसार की ओर देखकर सच्चाई का न्याय न करे, ये न सोचे इतने लोग गरीब है तो प्रभु चाहता है गरीब रहे। नहीं नहीं नहीं, बाइबल को देखकर सच्चाई को जाने, बाइबल क्या कहती है, प्रभु का असली मकसद क्या है देखे, असली सृष्टि को देखिए और फिर सच्चाई जाने। परमेश्वर ने संसार को कैसे बनाया, उसने गरीबी नहीं बनाया। परमेश्वर गरीबी नहीं जानता है, वो जिस भवन में रहता है, देखिए देखिए वो कहां रहता है। अंतिम 2 अध्याय को आप पढ़िए प्रकाशित वाक्य से, तो आप निश्चित चौंक जाएंगे कि वो किस तरह का परमेश्वर है। उसकी सोने की सड़कें हैं,
मोती के फाटक हैं, कंपाउंड वॉल बनी है कीमती पत्थरों से और ये सब। वो गरीब परमेश्वर नहीं और वो नहीं चाहता कि उसकी संतान कंगाल रहे। यदि आप उत्पत्ति अध्याय 1 पढ़े और आप अंतिम 2 अध्याय पढ़िए प्रकाशित वाक्य से तो ये समान दिखेंगे, क्योंकि आखिरी 2 अध्याय परमेश्वर के घर के बारे में है, स्वर्ग और वो कैसे दिखता है, और पहले 2 अध्याय तो मनुष्य के लिए बनाए घर के बारे में है, उसकी संतान। जब आप घर बनाते हैं, आप धनी हैं, आप अपने बच्चे के लिए घर बनाना चाहते हैं, तो आप बड़े बंगले में रहकर सड़क के उस पार अपने बच्चे के लिए झोपड़ी नहीं बनाते हैं। आपके पास जो है उसके जैसे कुछ बनाएंगे, क्योंकि आप चाहते हैं कि जो आपके पास है वो आपके बेटे के पास हो या उससे भी बढ़कर हो। और प्रभु ऐसे ही है, वो भला परमेश्वर है, और इसलिए उसने अदन की वाटिका बनाई बिल्कुल स्वर्ग के जैसे ही, बिल्कुल स्वर्ग के जैसे बनाई। इसलिए देखिए यहां पर विवरण में समानता है उत्पत्ति अध्याय 1 में और 2 में और यहां प्रकाशित वाक्य के अंतिम 2 अध्याय में। तो हम देख रहे हैं इन बातों को, और बात तो ये है बाइबल सिखाती है कि हमारा परमेश्वर भला है और उसने गरीबी नहीं बनाई। गरीबी तो मनुष्य के पाप के कारण ही यहां पर आई है। तो चलिए अब वो वचन निकाले जो हम सब जानते हैं, मैं इस पर आज जोर देना चाहता हूं। मेरे साथ देखिए नीति वचन, नीति वचन अध्याय 10 और वचन 22, नीति वचन 10:22। धन यहोवा की आशीष ही से मिलता है, धन यहोवा की आशीष ही से मिलता है और वो उसके साथ दुख नहीं मिलाता है। आपने कई बार इसके बारे में प्रचार सुना होगा, लेकिन एक और बार सुन लीजिए, क्योंकि जो भी सुना उसके ऊपर निष्कर्ष न निकाले। कई बार हम एक वचन से सच्चाई सुनते और सोचते हैं कि इस वचन के बारे में सब जान लिया, लेकिन मैंने निर्णय लिया कि मुझे कुछ पता नहीं। मैं जब वचन पढ़ता हूं तो ऐसे पढ़ता हूं जैसे इसके पहले कभी नहीं पढ़ा, और अभी मैं इसे समझूंगा। मैंने कई बार प्रचार किया, आज फिर से प्रचार करूंगा। परमेश्वर की आशीष ही धनी बनाती है और वो उसके साथ दुख नहीं, वो उसके साथ दुख नहीं मिलाता। मैं चाहता हूं दुख शब्द की ओर गौर करें, जो धन के साथ आता है, या वो दुख जो वहां है, वहां कमाने और उसके साथ में जीने में। परमेश्वर कोई दुख नहीं मिलाता, लेकिन वो हमें आशीष देकर धनी बनाता है। जब प्रभु आशीष देकर धनी बनाता है उसमें दुख मिला नहीं होता है। दुख शब्द तो इसके लिए सही शब्द नहीं है, इसका बेहतर अनुवाद होगा कि वो उसमें दर्द मिलाकर नहीं देता है। वो उसमें दर्द मिलाकर नहीं देता, क्योंकि दर्द आया पैसा कमाने में, दर्द दर्द जीविका कमाने में, जीविका कमाने में बहुत दर्द, ये सब आया मनुष्य के पाप के कारण। मेरे साथ देखिए उत्पत्ति अध्याय 3, परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया, कहा राज्य करो, राज्य करो, ये राजा के लिए होता है। मनुष्य को बनाकर सबसे पहले कहा कि राज्य करो, कह सकता था पवित्र बनो, सावधान रहो, स्वर्ग में आना, कुछ गड़बड़ी मत करना, ये कह सकता था, बहुत से विश्वासी कह सकते थे, लेकिन परमेश्वर ने कहा राज्य करो। क्यों? कुछ लोग सोचते हैं भाई, क्या आपको नहीं लगता पवित्रता जरूरी है? क्या आपको नहीं लगता हमें सावधान रहना है, ये जरूरी है? हाँ ये सही है, अगर आप राज्य करेंगे तो आप पाप पर भी राज्य करेंगे, आप बुरी आदतों पर भी राज्य करते जाएंगे। देखिए राज्य करने में सारी बातें आती हैं, पवित्रता और सारी बातें इस राज्य करने में आती है। तो परमेश्वर चाहता है कि हम सब लोग राजा हो जाएं, कहता है राज्य करो, यानी राज्य करो, अधिकार करो, तुम सारी बातों के ऊपर में प्रभु और स्वामी बन जाओ। उत्पत्ति अध्याय 1:28 में कहा राज करो। परमेश्वर ने मनुष्य को सबसे पहले यही कहा, इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि कहने के द्वारा वो मनुष्य के लिए से प्रकट करता है। वो चाहता है कि हर मनुष्य राजा हो, लेकिन फिर मनुष्य ने पाप किया। देखिए अध्याय 3:17, और यहां पर मैं आपको बताना चाहता हूं, दिखाऊं दर्द कहां से आया यहां मनुष्य के भौतिक अस्तित्व में। और आदम से उसने कहा, तूने जो अपनी पत्नी की बात सुनी, यानी बताइए किसकी बात सुनी? उसकी पत्नी की। अब ये पुरानी कहानी है, जानते हैं पुरुष जो है बड़े मांसपेशी वाले हैं, ऊंचे होते हैं, ताकतवर सामर्थी होते हैं, और वो चिल्लाते हैं, कहते देखो मैं क्या करता हूं,
लेकिन स्त्रियों में उनमें प्रभाव डालने की सामर्थ होती है। ये प्रभाव डालने की सामर्थ किसी भी मनुष्य को ऐसे ही शांत कर सकती है। मैंने देखा एक घर में एक भाई अपने बेटे के ऊपर बहुत जोर से चिल्ला रहे थे, मैं तुम्हें बहुत जोर से पीटूंगा और ये और वो करूंगा, इस तरह से वो चिल्ला रहे थे। उसकी पत्नी ने आकर कहा चुप हो जाओ, और तुरंत वो चुप हो गए। अच्छे आदमी थे जानते हैं। वो तुरंत चुप हो गए और उससे भी बढ़कर उसने बेटे को देखा और अपनी एक उंगली दिखाई, और वो लड़का आता है, सीधा बैठता है, खाता है बिना कोई नखरे किए हुए, अपना नाश्ता कर लिया, और माँ ने बस उसकी ओर एक नजर से देखा और वो समझ गया। मैं सोचता हूं कई पन्नों तक उसने बता दिया। स्त्रियां इतनी सामर्थी हैं, इसे प्रभाव की सामर्थ कहते हैं। सारा ने अपने पति को प्रभु कहा और बहुत से लोगों को ये पसंद नहीं, बहुत सी बहनों को ये पसंद नहीं, ये क्या है बाइबल में, ये तो स्त्रियों के बिल्कुल विरुद्ध में ऐसा है, ये स्त्रियों के विरुद्ध में। इससे देखो सारा ने अपने पति को प्रभु कहा, लेकिन सारा को देखिए वही तो मालकिन थी। उसके घर में जो भी उसने कहा वही हुआ। उसने कहा दूसरी स्त्री से संतान होने दो, उसने कहा ठीक है। और फिर जब ये अब्राहम का विचार नहीं था, सारा का विचार था, और उससे बच्चा होने के बाद में उसे वो स्त्री पसंद नहीं आई, और वो हाजिरा से जो संतान हुई उसे पसंद नहीं आई, तो कहे ने निकाल दो। अब्राहम ने कहा यस मैम, और जैसे इसने कहा निकाल दो तो इसने निकाल दिया। जंगल में वहां पर पानी के बिना बिल्कुल मरने पर थे, बस ऐसे निकाला। प्रभाव की सामर्थ। पिछले हफ्ते मैं दूसरे शहर में था और मैं भारत के बहुत ही सामर्थी परिवार के लोगों से मिला, और मेरी मुलाकात ऐसे ही उनसे हुई, और उन्होंने मुझे अपनी गवाही बताई कि वो कैसे प्रचारक बने। मुझे आश्चर्य हुआ कि ये एक प्रचारक हैं, वो एक बहुत बड़े व्यापारी हैं लेकिन प्रचारक हैं। तो मैंने बड़ी जिज्ञासा से उनसे पूछा आपने मसीह यीशु को कैसे स्वीकार किया। वो गैर मसीह परिवार से थे, लेकिन मैंने पूछा आप कैसे मसीह में आए। उन्होंने कहा मेरी पत्नी से। मैंने कहा ओहो, ये इसी तरह होता है। देखिए एक स्त्री थी जो प्रभावी थी, उसने सही तरीके से उपयोग किया। उसने कहा मैं अपनी पत्नी से प्यार करता था, हमारी शादी के पहले हम प्यार करते थे, और वो हमेशा मुझे यीशु के बारे में बताती थी। इस तरह से मैं यीशु के पास आया, और अब उससे ज्यादा मैं प्रचार करता हूँ और मैं सेवकाई में अच्छे से जुड़ा हूँ। यानी स्त्रियां बड़ा प्रभाव डाल सकती हैं और अपने प्रभाव का सामर्थ्य रीति से उपयोग कर सकता है। इसलिए जब यीशु यहाँ मुर्दों में से जी उठा तो पहले स्त्रियों को बताया, क्योंकि वो जानता है सारी दुनिया जानेगी। बस उस स्त्री के सामने खड़े रहकर कहना था, सभी को पता चल जाना था, चिंता करने की जरूरत नहीं। जानते हैं अगर उनसे कहे किसी को मत बताना कोई फर्क नहीं पड़ता, वो जरूर बताएंगे। चेलों को उसने कहा पूरे संसार में जाओ, चेले बनाओ, सुसमाचार प्रचार करो, लेकिन ये जाकर बहुत ही जल्दी से चेले बना देती हैं। ठीक है, अब इसे सुनिए। तूने जो अपनी पत्नी की बात सुनी और जिस वृक्ष के फल के विषय मैंने तुझे आज्ञा दी थी कि तू उससे न खाना, उसको तूने खाया, इसलिए भूमि तेरे कारण श्रापित है, तू उसकी उपज जीवन भर दुख के साथ खाया करेगा। देखिए दुख शब्द जो हमने देखा था नीति वचन 10:22 में कि वो दुख मिलाकर नहीं देता, ये दुख कहां से आता है, पहली बार ये कहां पर आया? ये पहली बार तब आया जब मनुष्य ने पाप किया, ये भीतर आया। परमेश्वर कह रहा है कि तुमने खुद पर श्राप लाया है। ऐसा नहीं कि परमेश्वर बैठा श्राप भेजते रहता है, नहीं। प्रभु ने कहा मैंने सिद्धांत रखा, मैंने कहा इसका फल नहीं खाना, अगर तुम ये फल खाओगे तो तुम निश्चय मर जाओगे, तुम श्रापों को लाओगे। तो उसने फल खाया, उसने आज्ञा भंग की। प्रभु नियम से काम करता है, वो छड़ी लेकर बैठा नहीं है कि निर्णय ले कि इसे मारेगा और आज इसे आशीष देगा और ये सब, नहीं, ऐसे नहीं करता है, ऐसे नहीं। जानते हैं यानी जैसे मन में आए वैसे उसने कुछ नियम बनाए हैं। उसने कहा मैंने नियम बनाया कि तुम्हें इस एक पेड़ का फल नहीं खाना है, अगर खाओगे तो तुम निश्चय मर जाओगे, जिस दिन खाओगे उसी दिन मरोगे। देखिए आदम तभी गिरकर नहीं मरा, लेकिन मृत्यु उसके भीतर में आ गई। मृत्यु तो कोई भी बुराई है, ये तो पहले शारीरिक मृत्यु है, फिर अनंत काल की मृत्यु जो कि परमेश्वर से हमेशा अलग होना है, लेकिन कोई भी बुराई मृत्यु है, कोई भी अच्छाई जीवन है। बाइबल यही सिखाती है, जो भी अच्छा है वो जीवन है, जो बुरा है वो मृत्यु है। यानी मृत्यु उसी दिन आ गई। तो फिर अब परमेश्वर कहता है देखो तुमने क्या किया, तू उसकी उपज जीवन भर दुख के साथ खाया
करेगा। There is no rock, there is no god like Gaga. No other name worthy of all our praise. The rock of salvation that cannot be moved. Himself to be faithful, true. There is no rock, there is no God like God. There is no rock, there is no rock, there is no God like our God. No other name worthy of all our praise. The rock of salvation cannot be moved. Proven himself to be faithful and true. There is no rock, there is no God like ours. Rock of ages, rock of ages, Jesus is our rock. Rock of ages, Jesus is our rock. Rock of ages, Jesus is our rock. There is no rock, there is no God like God. There is no rock, there is no God like God, God. No other name worthy of all our praise. The rock of salvation that cannot be moved. There is no rock, there is no God like God. Rock of ages, rock of ages, Jesus is our rock. Rock of ages, Jesus is our rock. Rock of ages, Jesus is our rock. There is no rock, there is no God like God. Sing rock of ages, rock of ages, Jesus is our rock. Rock of ages, Jesus is our rock. Rock of ages, Jesus is our rock. There is no rock, there is no God.